सेकेंड स्टेप जो है इसका स्क्रब है और थर्ड जो है एक मसाज क्रीम है, मसाज क्रीम। और इसका जो फोर्थ है वो है मिड मार्क्स, इसका मिड मार्क्स है। और इसका जो लास्ट स्टेप है वो है क्लेंजिंग फ्रेश टोनर। तो ये हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं फेशियल से पहले और फेशियल के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये फेशियल ऑल स्किन टाइप के लिए है, जिनके पिंपल्स हैं, एक्निंग है, एंटी एजिंग है, टीन बॉयज़, टीन गर्ल्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बॉयज़ की बात बता दूँ कि सारे बॉयज़ ऐसे होते हैं कि वो फेशियल नहीं लेते, ये क्लिनजिंग नहीं लेते, जिसकी वजह से उनके ओपन पोर्स, डार्क पोर्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। और बॉयज़ के काफ़ी ज़्यादा इशू यही होते हैं कि वो उनके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड जो है उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इशूज होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो अपने फेस को क्लीन नहीं करते हैं, उन्हें बार बार नहीं जाते हैं, क्लिनजिंग नहीं करते हैं, फेशियल नहीं करते, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज के फेशियल में जो स्टेप बताने वाला हूँ, आप ये फेशियल बिल्कुल घर पे कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और फेशियल बिल्कुल रिजनेबल प्राइस पे भी है और ये आपको घर पे भी ईजी कर सकते हैं। किस तरह करना है ये आज की वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को। और ये बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, और स्पेशली बॉयज़ के लिए कि सिल्की कुल के प्रोडक्ट्स बॉयज़ की स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और वाइटनिंग इफेक्ट देता है, एक्नी, डार्क स्पॉट्स। अब मैं देख सकते हैं मेरे फेस पे जो निशानी है ये पिंपल्स की वजह से, मैंने दो दफ़ा इस फेशियल के लिए मेरे थोड़े बहुत पिंपल्स के इशू होने लगे थे, तो मैंने इस फेशियल को दो दफ़ा लिया है, तो उसके बाद मेरे पिंपल्स ख़त्म हो गए, तो थोड़े से निशान रह गए, तो इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और जब वो ये निशान ख़त्म होंगे तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि मैंने इसको किस तरह ख़त्म किया। तो बातें कम करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो फेशियल करना कैसे है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। और इसकी जो प्राइस लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगा, और जो आप कहाँ से बाई कर सकते हो इस प्रोडक्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगा, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। चलिए तैयार हो जाए और आप लोग भी बैठ जाए मेरे साथ साथ, दोनों इकट्ठे गपशप भी लगाते हैं और फेशियल भी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं अपने हेयर बैंड करूँगा, अपने बालों को कवर करूँगा। अगर मेरे बालों के कलर आप लोग कैसे लग रहे थे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरे बालों के कलर की मुझको सूट कर रहे कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैंने अपने बालों को तो हेयर बैंड कर दिया है, तो आप लोग भी अपने बालों पे हेयर बैंड कर लिया, कवर कर लिया, किसी भी टचअप वगैरह इम्प्रूवमेंट के साथ आप कवर कर सकते हैं। तो मैंने हेयर बैंड कर दिया, तो सबसे पहले मैं करूँगा अपने फेस को टोन। तो टोनिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ गार्नियर का टोनर, तो इससे फेस काफ़ी अच्छा नीट हो जाता है। तो ये बॉयज भी अपने साथ रख सकता है ट्रैवलिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, और जिनको ओपन पोर्स के इशू है वो भी अपने पास रेगुलर यूज़ करने के लिए रख सकते हैं गार्नियर के टोनर। तो काफ़ी अच्छी है इसकी टोनिंग। तो मैं सबसे पहले अपने फेस को टोनिंग करूँगा इसके इस छोटे से कॉटन बट के साथ। न्यू गार्नियर स्किन नेचुरल टॉनिक एंड टॉनिक फ्रेशनर के बेनिफिट में आपको बता दूं कि आप इसे मॉर्निंग पे एंड नाइट पे और इवनिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। जब जब आप फेस वॉश करें तब तब आप इसके साथ टॉनिंग कर सकते हैं। इसकी बेनिफिट ये है कि अगर आपकी स्किन पे कहीं पे भी पिंपल्स या पोर्स होते हैं तो इसको वहीं पर ही अपने से लॉक कर देता है। तो सेकेंड स्टेप हम करने लगे हैं सिल्की कूल के वाइटनिंग फेशियल क्लेंजिंग और रिफ्रेशनिंग ब्राइटनिंग डीप क्लेंजिंग मेकअप रिमूवर भी है। तो कंग्रेचुलेशन गर्ल्स, ये मेकअप रिमूवर भी है, आप इसके साथ अपने मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा डीप क्लेंजिंग करता है। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सिल्की कूल एक्स्ट्रा वाइटनिंग फेशियल क्लेंजिंग रिफ्रेशनिंग ब्राइटनिंग डीप क्लेंजिंग मेकअप रिमूवर, ये मेकअप रिमूवर भी है साथ डीप क्लेंजिंग भी है। आप जब भी मेकअप करें गर्ल्स तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेकअप रिमूवर के तौर पे, आप इसको मेकअप रिमूवर भी कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा है, ये आपकी स्किन में डीप में जाके क्लेंजिंग करता है। आप डे में वन टाइम इसको कर सकते हैं बिल्कुल, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई इशू नहीं है इसमें और पिंपल्स वगैरह होने के कोई खतरे नहीं है। आपने बिल्कुल स्लोली स्लोली सर्कुलर मोशन पे अपने
मसाज करना है अपने फेस पे, नेक पे अच्छे से प्रेशर पॉइंट को देना है, जॉ लाइन और अपने चीक को अच्छे से मसाज करना है इसके साथ सब जगह से, जिस तरह मैं कर रहा हूँ स्लो स्लो ले। मैंने वीडियो स्पीड की हुई है, वैसे आप लोगों को लग रही होगी कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड पर कर रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा स्लोली जेंटली मोशन पर कर रहा था। तो आपने जब भी फेशियल करे तो आपने नेक का भी लाजमी ख्याल रखे, क्योंकि नेक भी हमारी अपनी है, कोई पराई नहीं है, वरना तो अलग अलग ही लगता है। तो आपने जब भी फेशियल करना है दोनों को इक्वल रख के करना है। तो आपने नेक का मसाज और फेस के मसाज बिल्कुल इक्वल ही करना है, और प्रेशर पॉइंट का ख्याल रखना है। ये जैसे नोज़ पे मैं प्रेशर दे रहा हूँ, और जेंटली अपने चिक को भी, स्किन को खींच खींच के, जॉ लाइन को, अपने नेक को, बोन को, अपने हर एक चीज़ को अच्छे से मसाज करना है, ताकि आपके पिंपल्स ना हों। नोज़ के पास प्रेशर देने से आपके चिक पे पिंपल्स ना होने के चांसेस होते हैं, अगर आपने प्रेशर पॉइंट हर जगह इक्वली दी तो। तो इस तरह क्या आपने अच्छा मसाज करना, पानी बिल्कुल भी लेना इस क्लिनजिंग में, और पूरा एब्जॉर्ब करना। जब तक आपके क्लिनजिंग एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक आपने मसाज करते रहना है और प्रेशर पॉइंट को देते रहना है। और जब आपका ख़त्म हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए क्लिनजिंग, तो आपने एक सिंपल स्पंज के साथ आपने फेस को नीट कर लेना है, जिस तरह मैंने दो स्पंज लिया है। आप भी इसी तरह के किसी भी स्पंज के साथ या फिर सिंपली वाटर के साथ आप उसको वॉश कर सकते हैं। आपने अच्छे से नीट कर लेना है, नीट करने के बाद जाके आपने दूसरा स्टेप स्टार्ट करना है। सो हमने क्लिनजिंग तो कर लिया, और अब हम सेकंड स्टेप करने लगे हैं इसका स्क्रब। तो स्क्रब का स्टेप्स देखिए। सिल्की कूल एक्स्ट्रा वाइटनिंग फेशियल स्क्रब एक्सफोडियोड लेमिनेंस, तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और इसका स्क्रब को बेनिफिट क्या है तो मैं बताऊं कि जब मैंने अपने स्क्रब अपने फेस पे किए इसका, तो इसने अपने मेरे फेस के जितने भी डेड स्किन थे वो सारे फौरन इसने रिमूव कर दिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका स्क्रब, काफ़ी इसमें बारीक बारीक से दाने हैं, तो वो जो है आपको ज़्यादा चुभते भी नहीं है इतना कोई। और सिल्की कूल जब इसका नाम है तो आपको पता है कि कूल इफेक्ट तो आएगा ही इसमें। तो इसमें सारे स्टेप में, चाहे इसका क्लिनजिंग है, स्क्रब है, मसाज है, मास्क हो, कोई भी हो, सब में इसके कूलिंग इफेक्ट है। तो आपने जब भी स्क्रब करना है तो शावर लेना है, जिस तरह कि मैंने बताया था क्लिनजिंग में आपने वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो आपने जब स्क्रब करना है तो स्क्रब में आपने पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वरना आपके फेस पे रैशेस बन जाएंगे। तो मैंने अभी शावर किया अपने फेस पे, उसके साथ में मसाज करने लगा जेंटली राइस। और आपने जब भी स्क्रब करना है अपने सेंसिटिव एरिया में, कभी भी स्क्रब नहीं करना है जिस तरह कि मैंने अपने आइस को छोड़ दिया। तो अपने आइस के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रब नहीं करना, और जहाँ पे भी करना, और जब आप प्रेशर पॉइंट स्क्रब में प्रेशर पॉइंट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने सिर्फ मसाज करना है जहाँ जहाँ आपके डेड स्किन वगैरह है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी स्क्रब होना है, तो आपने उस जगह पे अच्छे से मसाज करना सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे अच्छे तरीके से। तो जे आपने स्क्रब कभी भी ज़्यादा देर के लिए अपने फेस को स्क्रब नहीं करना, और सिर्फ 3 से 5 मिनट के लिए अपने फेस को स्क्रब करना। इसके बाद आपने सिंपली इसको सिंपल वाटर के साथ वॉश कर देना, यहाँ पे किसी स्पंज की मदद से आपने स्क्रब को रिमूव कर देना अपने फेस से। आप देख सकते हैं जब मैंने इसका स्क्रब किया तो स्क्रब के बाद ही मेरे फेस पे इतना अच्छा इफेक्ट आ गया था वाइटनिंग, क्योंकि इसके इसने जैसे ही मैंने स्क्रब किया इसने मेरे स्किन के जितने भी ब्लैक वाइट हेड्स थे उसको भी रिमूव कर दिया, और साथ में जो मेरे डेड स्किन थे, डेड स्किन को भी फौरन रिमूव कर दिया। तो आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आया इसका स्क्रब, आप लोग भी यूज़ कीजिएगा, रिकमेंडेड है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। और अब मैं करने लगा हूँ सिल्की कूल का वाइटनिंग फेशियल मसाज क्रीम। तो सिल्की कूल एक्स्ट्रा वाइटनिंग फेशियल मसाज क्रीम इन्हेंस इलास्टिसिटी एंड रेगुलर मॉइस्चर। तो आप इसे एज आ मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका मॉइस्चराइजिंग क्रीम और मसाज क्रीम जो है इनका काफ़ी अच्छा है इसका भी। तो इसका रिजल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जब आपने किए तो आप, मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया तो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा था, बहुत जेंटली सा स्मूथ मेरा फेस हो गया था, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया था मेरा फेस। तो मुझे ये भी काफ़ी इसका अच्छा लगा, और ये मैं अब भी यूज़ कर रहा हूँ
हूँ अपने डेली रूटीन पे, जैसे मॉर्निंग पे अपने फेस को, अब तो विंटर का सीज़न है तो मैंने अब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद, थोड़ा सा मैं लेके अपने फेस में कर लेता हूँ, तो आप लोग भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल मसाज कर रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल जब भी मसाज करे तो आपने हर एक प्रेशर पॉइंट का ध्यान रखना है, जैसे नोज, आइज, फोरहेड पे, आपने जॉ लाइन पे, हर जगह आपने अच्छे से प्रेशर पॉइंट देना है। और आइज को जो लैश लाइन के पास जो काफ़ी लोगों के रिंकल्स आ जाते हैं, आपने उस तरफ जी बिल्कुल इसी तरह अपने मसाज करना है, और आपने साथ ही साथ मसाज करते हुए अपने प्रेशर पॉइंट को प्रेस करना है, जॉय लाइन को भी अपने प्रेस करना है, और इस तरह नेक पे भी मसाज करना है, ताकि और जब भी आपने मसाज करना हो स्किन को ऊपर की तरफ खींचना है आपने, और नेक को बिल्कुल ऊपर की तरफ, ज़ाहिर है जो चीज़ नीचे की तरफ आएगी ही नहीं तो वो ऊपर की तरफ मतलब नीचे की तरफ करेंगे ही नहीं तो वो नहीं आएगी, तो आपने ऊपर की तरफ ही इसको मसाज की तरफ ले जाना है अपने हर एक लाइन्स को, जॉय लाइन को, आईब्रोज को, हर जगह अपने अच्छे तरीके से मसाज करना। और इस मसाज क्रीम पे भी आपने वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, जिस तरह के क्लिनजिंग मिल्क पे हमने नहीं किया था, तो सिंपल इसको भी एब्जॉर्ब करना है, जब आपके स्किन पे ये टोटली एब्जॉर्ब हो जाए आपने सिंपल ही वाटर के साथ वॉश कर लेना है, या फिर अपने स्पंज की मदद के साथ इसको रिमूव कर देना है। मेरा क्रीम अब एब्जॉर्ब हो गया स्किन में, अब मैं इसको स्पंज की मदद से साफ करूँगा। जब मैंने इसको रिमूव किया तो मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट और इतनी मुलायम हो गए थे, जैसे सिल्की सिल्की, काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा था, तो मैं हैरान था कि मेरी स्किन इतनी प्यारी हो गई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और यकीन माने कि मेरे फेस पे पिंपल्स के इशू थे वो भी सारे इसी वजह से ही ख़त्म हो गए। सो अब मैं यूज़ करने लगा हूँ सिल्की कूल का मेड मास्क, तो इस ब्रश के साथ मैं इसका अप्लाई करूँगा। तो स्टार्टिंग सिल्की कूल एक्स्ट्रा वाइटनिंग फेशियल मड मास्क क्लिनजिंग बैलेंस स्किन कॉम्प्लेक्स। तो इसका आपको पता है सिल्की कूल का ये मिड मास्क इतना अच्छा है कि जब आप अपने फेस पे अप्लाई करो, इवन कि अगर कभी आपके आप ब्लीच करते हैं फेस पे, आपके फेस पे रैशेज़ हो जाते हैं, अगर रैशेज़ होने के बाद आपने फ़ौरन सिल्की कूल के इस मास्क को अपने अप्लाई किया तो आपके रैशेज़ उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं, और सिल्की कूल है तो कूल इफ़ेक्ट तो लाजमी देगा। तो जब मैंने मास्क को अप्लाई किया तो मेरे फेस में एक जलन से होने लग गई थी, जलन मीन्स के कूलिंग, इतना जैसे मेरे फेस पे फ्रीज़र हो गया हो, इतना कूल इसका इफ़ेक्ट है और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो इसका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह कितना अमेजिंग है आप देखिएगा। तो जब मैंने इसको साथ साथ अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरा फेस इतना ठंडा कूल हो गया। और आपको पता है कि जब आपके डबल कॉम्प्लेक्शन फेस होते हैं आप, ये जो है डबल कॉम्प्लेक्शन फेस को इक्वल कर देता है इतना अच्छा। तो इस सिंपल से ब्रश के साथ मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर दिया है मड मास्क को। तो जैसे ही आपके मड मास्क अप्लाई हो जाए तो तकरीबन 5 से 10 या फिर 15 मिनट के लिए आप अपने फेस पे रहने दीजिएगा। इसके बाद आपने सिंपल वाटर के साथ इसको वॉश कर दीजिएगा। तो वॉश में करके आ गया हूँ, तो आपने टॉवल का इस्तेमाल इस तरह करना है, आपने रगड़ना नहीं है स्किन को, अगर नेक पे आप पहुँच रहे हो तो नीचे की तरफ फेस पे आपने टैप करना है टॉवल के साथ। कभी भी जब भी अगर नॉर्मली सोप या फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश करते हैं तो आपने इसी तरह ही आपने इसे टैप करके अपने फेस को साफ करना है, रगड़ना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी इतनी अच्छी इफेक्ट है, मेरा फेस कितना ग्लो करने लग गया है। सो अब मैं लास्ट इसका यूज़ करने लगा हूँ टोनर, जो फेशियल के बाद ले सकते हैं, और फेशियल से पहले भी आप उसको टोनिंग कर सकते हैं अपने फेस पे। तो अब मैंने मास्क लगा दिया, मास्क के बाद मैंने उसको रिमूव किया, वॉश किया मैंने, तो अब मैं इसका अपने फेस पर टोनर करने लगा। और फेशियल के बाद आप अपने फेस को टोनर लाजमी क्या करें, क्योंकि हम जब मसाज करते हैं तो हमारे क्यूटिकल्स और हमारे जो पोर्स है वो यानी कि मसाज होकर खुल जाते हैं, मास्क उसको लॉक करता है और टोनर उसको बिल्कुल ही लॉक कर देता है। तो टोनर लाजमी यूज़ करें, इससे आपको ओपन पोर्स होने में, एक्ने होने का कोई खतरा नहीं रहता। तो इसलिए मैं टोनर करूँगा, उसको थोड़ा सा शेक करूँगा, शेक करने के बाद तो मैं इतनी दूर के फासले में, तो आपने जैसे ही अपने फेस को टोनर करना है तो, लेकिन आपने उसको वॉश नहीं करना, आपने इसको छोड़ देना है और
पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब होने दे। जब ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके फेस में एक अपनी ही एक ग्लोइंग लेकर आएगा। तो कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये फेशियल लाजमी यूज़ करें, घर पर भी कर सकते हैं और जिनका सैलून है वो अपने सैलून में भी कर सकते हैं। मस्ट रिकमेंडेड कि मैंने आपका रिजल्ट अपने सामने है तो एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। मैंने जैसे बताया था कि मेरे निशान रह गए थे, एक्ने मेरे होने लगे थे, जब मैंने ये फेशियल यूज़ किया तो मेरा टोटली एक्ने ख़त्म हो गया। तो आप लोग भी यूज़ करें इंशाल्लाह, आप लोग दाने पिंपल जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, से निशान रह जाएंगे उसको। उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे निशान ख़त्म हो जाएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। तो वीडियो आप लोग को देखने के लिए शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। और मेरे चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के बेल आइकन को भी इसको प्रेस कर दीजिएगा और हर नया नया वीडियो ताकि आपको जल्दी मिल जाए। तो इसलिए फैशन जो है आपको रिकमेंडेड है, ज़रूर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा जितना कि मुझे हुआ है। आई लव इट। तो आप लोग भी लें फेशियल को, इसकी लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।